अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। ये हजरत बदीउद्दीन जिंदा शाह वली रहमतुल्लाह मदार साहब का रहमतुल्लाह का चिल्ला है, जो आपने अजमेर शरीफ से हुजूर वली नवाज की बारगाह से 2-3 किलोमीटर दूर पे पहाड़ी के ऊपर में चिल्ला है, यहाँ पे आपने चिल्ला खींचा है और आप पर रोजा हम जिन्ना तो कैसे सजा दे तेरे वली अल्लाह और तेरे हुसैन। अरे पाप मेरे हुसैन, मेरे आका, मुझे मत मिटा मेरे आका। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज का ब्लॉग मेरा पार्ट टू है, जो कि कल पार्ट वन में आप लोगों ने देखा कि कैसे यहाँ पर आ सकते हो मदरसा बाबा। और आज पार्ट टू में मैं ये बताऊँगा कि सबसे पहले उर्स मुबारक, आज इनका उर्स था तो इसलिए यहाँ पे माशाल्लाह यहाँ पे लाखों की पब्लिक आती है, पैदल आती है। जिस हिसाब से उर्स मनाया जाता था वैसे धूमधाम से उर्स मनाया गया है, बस थोड़ा सा मेला जो लगता था पहले, झूले वगैरह नहीं लगे, पर कोई बात नहीं, माशाल्लाह बहुत प्यारी रौनक है। और इनकी करम ये है, बाबा जान की करामत ये है कि इनके नाम से रेलवे स्टेशन, इनके नाम से पूरा पहाड़ है, इनके नाम से पूरा एरिया है। और फाइनली बाबा जान की दरगाह की ज़ियारत कराऊँगा आप लोगों को। और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखना, पूरा समझ में आएगा। भाई फाइनली चिल्ला शरीफ पहुंच गए हम। हाँ मेरा भाई, कैसा? बढ़िया। ये रहा मदरसा बाबा का गेट और चिल्ला। आप देखो सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच चुके हम, सबसे ऊंची चोटी पे। ये रहा गेट, ये रहा भाई दरगाह शरीफ पहुंच गए। तो गाइस फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं दरगाह शरीफ के पास। यहीं पे जूते चप्पल उतारने पड़ेंगे, चप्पल जूते उतारते हैं फिर ऊपर जाते हैं। ये लो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए माशाल्लाह। वाओ, ये रही दरगाह शरीफ, ये देखो माशाल्लाह। अब यहाँ से थोड़े नज़ारे आप लोगों को बाहर की करा देता हूँ। ये देखो कितना लंबा चढ़ाई वहाँ से चढ़ के आए हम लोग पैदल। ये भी है, ये पर पीछे का एरिया है। हाँ ठंड है यार ये तो है। वो देखो भाई कहाँ बैठे जाके, क्या बात है। और यहाँ पे रेलवे स्टेशन भी है, कहाँ गया वो रहा मदार रेलवे स्टेशन। पहले एक ज़माने में यहाँ पूरा जंगल होता था, बट अभी शहर है पूरा। अब इसको नाम मदार रेलवे स्टेशन कर दिया गया यहाँ पर। अब कोई खादिम साहब होंगे, उनसे बात करता हूँ और बताता हूँ यहाँ के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री। ये यहाँ का गेट और ये रहा दरगाह शरीफ। ये यहाँ का पहले तुम्हारे को नज़ारे करा देता हूँ थोड़े से, कैसा दिखता है ये देखिए। देखिए माशाल्लाह काफ़ी सारे मज़ार हैं मौजूद हैं। यहाँ हौद बना हुआ है पहले पानी के लिए, यहाँ पर भी मजार है। ये देखिए यहाँ से भी गली आ रहा है। ये देखिए भाई क्या बात है माशाल्लाह। हाँ अरे वाह, ये देखो पूरे पहाड़ में दरगाह शरीफ बना हुआ। तू भी आगे के बे कब आए भाई तेरी कसम। तो चलो अब अंदर ले चलते हैं आप लोगों को दरगाह शरीफ की ज़ियारत कराते हैं और खादिम साहब से यहाँ के बारे में कुछ बताते हैं। ये देखो चिराग, यहाँ लंगर भी होता है, क्या बात है। ये देखिए लंगर भी हुआ है। ये रहा, ये देख सकते हो चिल्ला शरीफ, बाबा मदार का चिल्ला है। सलाम अलैकुम चाचा। वालेकुम सलाम जी। जो बाबा जान का जो चिल्ला है इसको कहते हैं कि बाबा जान का चिल्ला है, मदार साहब बाबा चिल्ला। तो यहाँ पे दो मज़ार, एक मज़ार नीचे है एक मज़ार ऊपर है। और इनका जो कहते हैं रियल मज़ार जो है वहाँ मक्खनपुर में। मक्खनपुर कहाँ पड़ता है? कानपुर। कानपुर के पास? अच्छा अच्छा अच्छा। जी 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 जिला कानपुर है।
जी, तो ये जो नीचे मजार है ऊपर मजार, मतलब आप कुछ बता। यहाँ पे इबादत करी थी, 40 दिन का। अच्छा, 40 दिन का चिल्ला यहाँ खींचा था बाबा जान ने जी। अच्छा, यहाँ ऊपर पहाड़ में, मतलब जैसे गरीब नवाज सरकार ने 40 दिन तक चिल्ला चिल्ला पहाड़ में किया था मदार साहब ने, तो वैसे यहाँ पर इन्होंने क्या बोलते चिल्ला किया था। अच्छा, ये मदार जो नाम पड़ा, ये बाबा जान का नाम है या एरिया का नाम मदार था? नहीं, बाबा जान का नाम था मदार। अच्छा, लकम था, मतलब लकब, मतलब एक लफ्ज होता है। अच्छा, तो ये जो पहाड़ का नाम या रेलवे स्टेशन का नाम है बाबा जान, ये पहाड़ थी पहले खोखला पहाड़ी, खोखला पहाड़ी मदार साहब आने से मदार साहब पहाड़ी भी है। अरे वाह, माशाल्लाह, मतलब ये मदार साहब बाबा के नाम के ऊपर ये रेलवे स्टेशन का नाम, पहाड़ का नाम, एरिया का नाम पड़ा। खोखला पहाड़ था जी, अगरनाथ जोगी रहता था। अच्छा, वो शैतान था जी। अच्छा, इनका आगे बस में गया। अच्छा, लोहे के चना बना के भी खड़े अभी जोगी को। अच्छा, ये कसमा है बाबा। ये देखो, ताज पेश करने आए हमारे सैयद रमजान अली चिश्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, हम ताज मुबारक हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मजार अकदस से लेके आए हैं मदार शाह, जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह। तो गाइस, फाइनली मैं दरगाह शरीफ में आया हूँ, जहाँ पर हमारे रमजान अली चिश्ती और भी बहुत सारे खुदामे ख्वाजा यहाँ मौजूद है, चिल्ला शरीफ में ताज पेश करने आए हैं। तो आज इनसे जानेंगे हम कि भाई ये जो इनका रियल जो मजार शरीफ है कहाँ पर मौजूद है, और ये कहाँ के रहने वाले थे, और इनके बाबा की क्या करामत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वरकातुहु। ये हजरत बदुद्दीन जिंदा शाह वली रहमतुल्लाह मदार साहब का रहमतुल्लाह का चिल्ला है, जो आपने अजमेर शरीफ से हुजूर गरीब नवाज की बारगाह से 2-3 किलोमीटर दूर पे पहाड़ी के ऊपर में चिल्ला है, यहाँ पे आपने चिल्ला खींचा है जी। और आपका रोजा मुकद्दस मक्खनपुर के अंदर में है, यहाँ पे आपका रोजा मुकद्दस है, आज उर्स मुबारक है, तो यहाँ पे चिल्ले मुबारक में तमाम हाजिरी देने के लिए आते हैं। और आपका ये 604 उर्स है, और आपके हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में सरजमीन अजमेर हिंदुस्तान की गरीब नवाज की बारगाह में यहाँ पे आपने चिल्ला खींचा, यहाँ पर आपने इबादत करी। तो दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन से कि हुजूर सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजतन पाक खाजे आजम के सदके में, जिंदा शाह वदार रहमतुल्लाह अलैह के सदके में, अल्लाह पूरी आलम इंसानियत की खैर और सलामती अता फरमाए। जो भी बीमार है, जो भी रूहानी और जिस्मानी कोविड-19 जो भी जमीनी आसमानी बला में मुब्तला है, पंजतन पाक करबला वालों के सदके, जिंदा शाह वदार रहमतुल्लाह सदके, सब कुछ बीमारियों को निजात अता फरमाए, और हमारे मुल्क में अमन अमान मोहब्बत इत्तेफाक भाईचारा अता फरमाए। जो भी रूहानी जिस्मानी परेशानी जो भी मुब्तला है, करबला वालों के सदके में सबकी बला मुसीबतों को दूर फरमाए, और हुजूर के सदके में गरीब नवाज बारगाह में जो हाजिर हाजिर है, गैर हाजिर है, सबके हाजिर कबूल करे, जो मक्खनपुर में भी हो, जहाँ भी जो हाजिर है, जिन्होंने हाजिरी दी उनको भी हाजिर में कबूल करे, जो किसी वजह से नहीं आ सके, सरकार उन सबके हाजिरी को उन सबके कुल मकासद में काम में भी, तो हमारे सबकी दुआओं कबूल करो, सबके ईमान की सलामती, तो हमारे सबको अमन अमान अपनी जुबान में, सब कुल मकासद में काम में भी, तो हमारे सिरात और मुस्तकीम में चलाए, और आपके बताए अल्लाह अल्लाह के रसूल अहबैत गरीब नवाज के बताए रास्तों पर हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और ईमान की जिंदगी ईमान पर हमारा खात्मा फरमाए। अल्लाह हमारे पूरे मुल्क में हिंदुस्तान में भी भाईचारा मोहब्बत इत्तेफाक को बरकरार, जो माली परेशानी है उनकी सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, सबके दिली मकासद कुल मकासद में कामयाब अता फरमाए। आखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह बिल भाग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और एक शरीफ से खादिम ख्वाजा गद्दी नशीन रमजान अली चिश्ती, आपका या आपकी किसी अजीज करीब का बारे गरीब नवाज में चादर नजर न्याय लंगर करने का इरादा हो, या गरीब नवाज की बारगाह से कोई भी रिलेटेड पूछना हो या कोई ज्यारत करनी है दुआ की, नया मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर है 9983786865। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वरकातुहु। इनके नंबर में स्क्रीन पे दे दूंगा। और लास्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि ये मेला कब स्टार्ट होता है? ये अभी जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह का 18 तारीख को ज़िकात, जैसे रजब का महीना अगली बार आएगा, तो अभी कौन सा महीना चल रहा है? जमादुल अव्वल आखिर। जमादुल अव्वल, ठीक है ठीक है जी जी, शुक्रिया। अरे बाप रे बाप, आप नहीं रे मोहम्मद, हम जिन्ना तो कैसे सजा देते रे वली अल्लाह, अरे बाप।
मेरे हुसैन, मेरे आका, मुझे मत मिटा मेरे आका, हुसैन, नहीं हुसैन, आप नहीं अली, अरे बाबा, अरे ये देखिए देख सकते हो कि मैं मदरसा बाबा जिंदा मदरसा बाबा की मैं चिल्ला शरीफ में आया था। तो यहाँ पे हमारे कुछ खुद्दाम ख्वाजा भी हैं जो कि दरगाह के खादिम साहब भी हैं, पैदल चढ़ चढ़ के आए, क्या बात है माशाल्लाह, ये प्यार नहीं तो क्या है। और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और भाई लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, अजमेर के जितने भी खुद्दाम ख्वाजा है माशाल्लाह मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अजमेर की जितने भी पब्लिक है वो भी बहुत सपोर्ट करती है, मतलब ये मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात हो जाती है कि हमारे भाई लोग हमें सपोर्ट करते हैं और बहुत अच्छा लगता है मेरे को, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो शेयर करते हैं। और भाई कौन सी वीडियो देखी वैसे आप लोगों ने? मैंने तो देखी है बहुत सारी। क्या बात है, कौन सी देखी एग्जांपल में? वो जो ताका सैयद वाली, क्या बात है बाबा, निजामुद्दीन वाली दिल्ली की देखी है? हाँ सुभान अल्लाह। आपने भाई कल की देखी फेसबुक वाली? हाँ मिस्टर फेसबुक वाली, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फाइनली चलते चलते रात होने वाली है, आप देख सकते हो थोड़ी देर में रात हो जाएगी और शाम के बज चुकी है और 6 बज के, मतलब रात, नीचे रात हो गई है, नीचे रात हो चुकी, ऊपर रात नहीं हुई अभी, और शाम के बज चुकी है कितने, 6:13, जो कि 6 बजे रात को यहाँ पे रात हो जाती है। क्या बात है ब्रो, कैसे हो, मजे में? एक नंबर। क्या बात है अजमेर की पब्लिक। और ये देख सकते हो भाई नीचे नजारा, वाओ लुकिंग, क्या बोलते है माशाल्लाह। और ताला कर तो दिख ही नहीं रहा है, और ये देखो व्यू कम दिख रहा है, हमें जैसा दिख रहा है वैसे पब्लिक को नहीं दिख रहा, मेरे में नहीं दिखेगा ना। हाँ ये भी है, क्या बात है, क्या बात एक है, नंबर यार। और एक चीज बता देता हूँ, रात हो चुकी है, रात में भी पब्लिक काफी आ रही है, क्या बात है। ये देखो भाई रात हो चुकी फिर भी रात में भी पब्लिक आ रही है, वाह। और यहाँ लाइटें लगाई हुई हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दूर दूर तक थोड़ी थोड़ी सी लाइट लगाई हुई है, बाकी टॉर्च जला रहेगी बहुत। नारे तकबीर, जब तक सूरज चांद रहेगा। क्या बात है माशाल्लाह, यहाँ की पब्लिक है बहुत जोश में रहती है भाई, कितनी भी पहाड़ी चढ़ने पे फिर भी जोश में रहती है, अजमेर की पब्लिक जोश में रहती है माशाल्लाह, क्या बात है। कितनी भी पहाड़ियाँ चल रहे, कितनी भी थक जाए फिर भी जोश कम नहीं होगा। आप कब आए थे? जी मैं तो अभी आया था आधे घंटे पहले। माशाल्लाह अपने भाई, हाँ मेरा भाई 18 मिलियन सब्सक्राइबर पहुंच गए उनके। सही है यार माशाल्लाह, जितने भी अपने मीम भाई हैं सबको आगे बढ़ना चाहिए और गरीब नवाज सरकार सबको नवाजे, मैं तो यही कहता हूँ। ये देखो तारागढ़ पहाड़ में रोशनी जल चुकी है, रोशनी हो चुकी है। ये देखो भाई रात हो गई, दिन में गए थे रात हो गई, रात को लौट के आ रहे हैं वापस है। ये देखो हमारा गोलू ब्रो, वो तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ लाइटें लगी हुई हैं तो थोड़ा बहुत दिख जाएगा। अब गोलू आगे लाइट ना हुई तो फिर क्या होगा? नहीं बे तोबा तोबा कर, हाला ऐसे नहीं बोलते। हाँ ये देखो भाई रात हो गई है, लाइट नहीं है भाई यहाँ पर, है ना, लाइट नहीं है भाई। अल्लाह गरीब नवाज सरकार सही से पहुंचा दे हमारे को नीचे। ये देखो ऊपर वो देखो तारागढ़ पहाड़, कैमरा आ जाता तो और अच्छा वीडियो बनता ना, अभी भी पब्लिक आ रही, क्या बात है, रात को नीले में भी सही है यार। वाह यार अजमेर शहर पूरा दिख रहा है, खाली 4 विमान ले लेना। ये देखो पूरा अजमेर शहर दिख रहा है, क्या बात है। तो गाइस फाइनली जैसे यहाँ पे भाटे पड़े हैं ना, उन भाटों को देख के ही पैर रखना, क्योंकि जरा सा पैर भाटा पिसला और आप नीचे पैर आपका अभी। हाँ यार मैं भी थोड़ा सा फिसल गया था पर बच गया हूँ, और मेरे तो पैर कप आ रहे चलते चलते, थक गया मैं तो इतने जोर से। अभी और नीचे जाना है, ये वही टंकी जहाँ पे पानी पीने की बोला था, एक भाई के और चप्पल टूट गई चलते चलते। हाँ मेरा भाई क्या हो गया तुम्हारे दोस्त को? नहीं
था। अच्छा हाँ यार, यहाँ अच्छा ऊपर है ना, इसलिए थोड़ा सा स्लिप हो गया था। हाँ ये तो है, देख सुन के चलना पड़ता है भाई यहाँ पर। ये चीज को देख सुन के चलना चाहिए, मेरे भी थोड़ा सा। फाइनली नीचे पहुँचते पहुँचते रात हो ही गई। हाँ मेरा भाई, फाइनली नीचे पहुँचते। तो गाइस यहाँ से तारागढ़ की रोशनी देखने पर मुझे ये महसूस हो रहा है कि उस जमाने पे जब तारागढ़ पे मसाल जलाया जाता था, या फिर यहाँ से मसाल जलाते होंगे, तो वहाँ से और यहाँ से मसाल देखने का मजा कुछ और। ये देखो भाई, थोड़ी थोड़ी लाइटें लगी हुई, पूरी रात हो गई हमारे को तरते तरते। और एक चीज़ बता रहा हूँ आपको कि मेरे पैर है ना बिल्कुल सुन हो चुके हैं, क्योंकि मैं चढ़ के गया, अब उतर के आ रहा हूँ तो मेरे पैर बिल्कुल हिल रहे हैं, ऐसे कप कप आ रहे हैं पैर, मतलब थक गया हूँ, बहुत ज़ोर से थक गया हूँ। और ये बहुत ऊँची पहाड़ है भाई, बहुत ऊँची पहाड़ है, और कुछ अंधेरे में दिख नहीं रहा। देखो चल यार साथ, फिर भी साथ साथ चलेंगे, कुछ नहीं दिख रहा, लोग लाइटें जला लगा के आ रहे हैं, क्या बात है। वो देखो बच्चे लोग दमदार बेड़ा पार करते हुए आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा, ज्यादा नहीं दिख रहा। ये देखो अब नीचे पहुंचने वाले हम पानी क्या यार। वो देखो तालागढ़ कितना खूबसूरत लग रहा है, थोड़ा सा वो नीचे रह गया, कितना होगा ये, कम से कम 10 मंजिल 15 मंजिल, बस इतना ही होगा। हां 15-20 मंजिल ऊपर है अभी, बस नीचे उतरने वाले हैं। ये देखो यहाँ पूरी सरपट रास्ता है, संभल के आना पड़ेगा। हाँ यही सारा छोले वाला चला गया घर अपने। तू यहाँ मुसाफिर है कुछ ना साथ जाए, खाली हाथ आया है हाथ जाएगा, एक घंटा उतरने में। तो गाइस जब आप लोग यहाँ पे दरगाह शरीफ के पास आओगे ना, तो पहले एक मज़ार मिलेगा, जो कि कहा जाता है कि ये जो मज़ार है ना, ये बाबा जान की खिदमत करने वालों किसी का मज़ार है। और ऊपर मेन चिल्ला शरीफ है, जहाँ पे मैं वीडियो पूरा बना के आया हूँ। और आगे जाएंगे तो रोड पे एक और दरगाह मिलेगी, जहाँ पर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मंजर हो रखा, खूब लंगर आम होता है, यहाँ का उर्स जब होता है खूब लंगर आम होता है, और बहुत खूबसूरत प्यारा मेला बनाया जाता है। और उस पर इस बार नॉर्मल बनाया गया है कोविड-19 के देखते हुए। तो यहाँ ऊपर गए थे हम लोग, देखो अभी भी पब्लिक कुछ कुछ आ रही है ऊपर से चढ़ के। ये देखो हम जहाँ गए थे वहाँ लाइटें जल रही है, पब्लिक आ रही है। काश मेरे पास कैमरा होता है यार, तो और भी अच्छे से आप लोगों को ये नज़ारा दिखा पाता। चलो कोई बात नहीं, किस्मत को क्या मंजूरी, कुछ कह नहीं सकते। इंशाल्लाह जब कैमरा आ जाएगा तो ये पूरा जूमिंग करके अच्छे से दिखाऊंगा, जो नज़ारा मैं अपनी आँखों से देख पा रहा हूँ वही दिखा पाता, पर कोई ना, ठीक है। तो जब आप लोग मदार शरीफ बाबा दरगाह जाते हैं ना, मदार शरीफ बाबा मदार साहब बाबा चिल्ला जाते हो ना, वहीं जाने के रास्ते में एक खूबसूरत सी प्यारी सी दरगाह पड़ती है। ये देख सकते हो यहाँ पे नाम क्या लिखा हुआ, मैं नाम पढ़ के बताता हूँ। यहाँ पानी पीने का इंतजाम भी है, वाह ये देखिए कितनी खूबसूरत दरगाह है, आहा माशाल्लाह। और गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपके शहर में भी आ करके ऐसे ही खूबसूरत वली अल्लाहों की दरगाहों की वीडियो बनाऊं और वहां के बारे में सही इन्फॉर्मेशन, इस्लाम की सच्चाई और अच्छाई बताऊं, तो आप अगर चाहते हो तो फिर आप लोग मेरे को दिए गए स्क्रीन के नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हो। मैं आपके शहर पर आ करके कोई भी खूबसूरत मस्जिद या दरगाह या आपके शहर के बारे में कोई भी हिस्टोरिकल पैलेस या कुछ भी जानकारी के लिए मैं दे सकता हूँ, तो मुझे कॉल कर दीजिएगा इस नंबर पे, मैं आ जाऊँगा आपके शहर पे। ये देखो हमारे भाई जाके आए अंदर दरगाह में, कैसा लगा भाई? माशाल्लाह सुकून मिलता है ना, ये बात तो वली अल्लाह की दरगाहों में या चिल्ला में जाते हैं ना तो सुकून मिलता है, अच्छा लगता भाई। ये हमारी अजमेर की बस जा रही है शाम के टाइम, रात को बज चुकी है 8 और 8 बजे बसें निकल रही हैं अपने अपने स्थान के लिए। 8 बजे रात का नज़ारा। तो गाइस फाइनली हमारी वीडियो हो चुकी है फाइनल। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड छोटा भाई तुम्हारा सपोर्ट करो। किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, मिस्टर खान अजमेर, और जैन साहिल खान फेसबुक अकाउंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, अल्लाह हाफिज़। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना।